माइकल जैक्सन, जिनके नाम पे 39 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। I'd like to thank God who makes all things possible. माइकल जैक्सन की डेथ हो जाने के बाद भी साल 2013 से 23 के बीच वो सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर वन पोजीशन पर थे। लेकिन माइकल जैक्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थे। लोगों का क्लेम था कि माइकल जैक्सन एक ऑक्सीजन चेंबर में सोया करते थे ताकि वो अपनी एजिंग को स्लो कर सकें, क्योंकि वो 150 साल तक जीना चाहते थे। माइकल जैक्सन ने अपने ड्रीम हाउस नेवरलैंड रैंच में छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बहुत सी चीजें बनवा रखी थी, फरारी व्हील, मूवी थिएटर और जू। और अगस्त 1993 में उनके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन भी लगे, जब एक 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने ये कहा कि माइकल जैक्सन उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उनकी सिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उनका भाई एक पेडोफाइल है। It was a bizarre set of circumstances. He just made a very bad decision. जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई तो डॉक्टर्स को उनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स मिले। उन्होंने महीनों तक कुछ नहीं खाया था। उनकी बॉडी में सिर्फ हड्डियां बची हुई थी और स्किन में इंजेक्शंस के निशान। कहा जाता है कि उनकी डेथ ड्रग ओवरडोज से नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मर्डर था। प्रोफेशनल लाइफ में माइकल जैक्सन ने जितना सब कुछ अचीव किया था, शायद ही कोई आर्टिस्ट कभी फ्यूचर में भी कर पाएगा। फेमस और इन्फेमस, वन ऑफ द बेस्ट नोन पीपल ऑन द प्लेनेट एवर। लेकिन वहीं पर उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड थी। ड्रग अब्यूज से लेकर उनकी स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही डिस्टर्बिंग सेक्सुअल एलिगेशंस। एमजे की पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो। अमेरिका के गैरी इंडियाना में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने 10 भाई बहनों में 8वें नंबर के थे। जैक्सन एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करते थे और जहां वो रहते थे उस जगह का नाम भी जैक्सन स्ट्रीट था। जैक्सन के मदर और फादर दोनों ही म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनकी मदर क्लारिनेट और पियानो बजाया करती थी, जबकि उनके फादर जोसेफ जैक्सन एक गिटारिस्ट थे। वो एक बॉक्सर भी रह चुके थे और गिटार बजाने के साथ साथ वो क्रेन ऑपरेटर का काम भी किया करते थे। जैक्सन की पूरी फैमिली एक 2-बेडरूम वाले घर में रहा करती थी और कुल मिलाकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और यही एक रीजन था कि सारे जैक्सन ब्रदर्स ने बहुत अर्ली एज में सिंगिंग और डांसिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इसकी शुरुआत काफी बुरे एक्सपीरियंस के तौर पर हुई, जो जैक्सन के लिए लाइफ का सबसे बुरा फेज था और आगे चलकर उनके ट्रॉमा का रीजन भी बना। जोसेफ जैक्सन ने सारे एमजे ब्रदर्स को बहुत ही कम एज में बैंड का हिस्सा बना दिया था, जिसका रीजन था फैमिली की पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन। और जब माइकल जैक्सन इस बैंड का हिस्सा बने थे तो उनकी एज सिर्फ 6 साल थी। इस बैंड में टोटल 5 जैक्सन ब्रदर्स थे और माइकल जैक्सन सबसे छोटे थे। रिहर्सल में छोटी छोटी गलतियों पर उनके फादर उन्हें बहुत बुरी तरह मारा करते थे, और साथ ही में बचपन से ही माइकल जैक्सन की नोज की शेप थोड़ी अजीब थी, तो उनके फादर उनके नोज के शेप और साइज को लेकर अक्सर उन्हें सुनाया करते थे। माइकल के फादर की इन चीजों का उन पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और यही रीजन बना कि उन्होंने आगे जाके काफी सारी प्लास्टिक सर्जरीज भी कराई। अब भले ही माइकल जैक्सन ग्रुप में सबसे कम एज के थे, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी थे। जब एमजे की डेथ हुई तो उनके डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि माइकल जैक्सन की वॉइस को हाई रखने के लिए उनके फादर उन्हें प्यूबर्टी डिले करने के इंजेक्शंस लगाया करते थे, ताकि उनकी वॉइस थ्रू आउट सेम रहे। माइकल को जब ये इंजेक्शंस दिए गए तो वो सिर्फ 13 साल के थे, और इन्हीं इंजेक्शंस की वजह से उन्हें आगे चल के काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी हुए। अब टाइम के साथ जैक्सन ब्रदर्स का ये ग्रुप पॉपुलर होते चला गया और उन्हें पब्स, स्कूल्स और क्लब्स में परफॉर्म करने के ऑफर्स आने लगे। इन सारे प्रोग्राम से उनकी अच्छी अर्निंग होने लगी। अलग अलग जगह पर परफॉर्म करने के कारण जैक्सन ब्रदर्स का ये ग्रुप अब काफी पॉपुलर होने लगा था, और 1969 में अमेरिकन म्यूजिशियन बैरी गोर्डी ने जैक्सन ब्रदर्स को अपने म्यूजिक रिकॉर्ड बैनर मोटाउन के लिए साइन कर लिया। अब मोटाउन के साथ जैक्सन ब्रदर्स का जुड़ना काफी फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने इस बैनर के अंडर बहुत सारे पॉप हिट्स भी दिए, जैसे आई वॉन्ट यू बैक, ABC, आई लव यू सेव एंड आई विल बी देयर। अब मोटाउन के साथ मिली सक्सेस के बाद जैक्सन फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हो गई थी और अब वो कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। ये 1975 में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ 6 साल काम करने के बाद अब जैक्सन ब्रदर्स एक दूसरे बैनर से जुड़े, जिसका नाम था एपिक रिकॉर्ड्स। इस बैनर के साथ जुड़ने के बाद एमजे ने अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन एमजे को एज अ सोलो परफॉर्मर एस्टेब्लिश करने का काम उनकी 5th एल्बम ने किया, जिसका नाम था ऑफ द वॉल। और इसी एल्बम की रिलीज से पहले माइकल जैक्सन ने कुछ ऐसा काम किया जो उनकी लाइफ का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट भी रहा, वो है प्लास्टिक सर्जरी। 1979 में अपनी फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को फिक्स करने के लिए माइकल ने अपनी नोज की पहली राइनोप्लास्टी करवाई। तब माइकल ने सर्जरी का रीजन बताया कि रिहर्सल करते हुए उनकी नोज ब्रेक हो गई थी, जिसको फिक्स कराने के लिए उन्हें ये सर्जरी करानी पड़ी, और पहली सर्जरी के बाद ही उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, जिसको फिक्स कराने के लिए उन्हें फिर से एक सर्जरी करानी पड़ी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसी तरह माइकल जैक्सन को आगे चल के काफी सारी सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। अभी के लिए माइकल जैक्सन की किंग ऑफ पॉप बनने की जर्नी पर वापस आते हैं। तो ऑफ द वॉल एल्बम के साथ माइकल जैक्सन ने 10 में से 4
चार टॉप एंट्रीज प्रोड्यूस की। इस एल्बम की 20 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल हुई और 1980 में एमजे हाईएस्ट रॉयल्टी लेने वाले आर्टिस्ट भी बन गए। अब ऑफ द वॉल की सक्सेस के बाद 1982 में एमजे ने थ्रिलर नाम की एक एल्बम रिलीज की जो आज तक की बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द वर्ल्ड है। थ्रिलर एल्बम में माइकल जैक्सन ने बिली जीन और बीट इट जैसे सॉन्ग दिए जिसके लिए उन्हें 8 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। बिली जीन नाम का यह सॉन्ग दूसरे रीजन की वजह से भी स्पेशल था, वो इसलिए क्योंकि 25 मार्च 1983 को एमजे अपने ब्रदर्स के साथ एक काफी लंबे समय के बाद रियूनाइट हुए थे और इस कॉन्सर्ट को एनबीसी टेलीविजन पर 16 मई 1983 को टेलीकास्ट किया गया था जिसे 47 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। इसे मोटाउन 25 यस्टरडे फॉरएवर का नाम दिया गया था और इसी स्पेशल शो में एमजे ने अपनी सोलो परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने बिली जीन नाम के गाने पर मून वॉक किया था और यही मून वॉक आगे चल के माइकल जैक्सन के करियर का एक सिग्नेचर स्टेप बना। इस मून वॉक को वो अपने मेजोरिटी ऑफ कॉन्सर्ट्स में किया करते थे। ये कुछ वैसी बात थी कि जैसे सचिन का स्ट्रेट ड्राइव, विराट कोहली का कवर ड्राइव और बाबर आजम का बिलो 100 स्ट्राइक रेट। अब 1983 तक माइकल जैक्सन एक ग्लोबल स्टार बन चुके थे और सॉन्ग्स के साथ साथ अब वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देने लगे। उसी साल नवंबर में पेप्सिको ने जैक्सन ब्रदर्स के साथ एक प्रमोशनल डील साइन की थी जिसके लिए उन्हें तब $5 मिलियन दिए गए थे। उस वक्त किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील थी, लेकिन एमजे को इस डील का एक काफी भारी प्राइस या कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि शूट के दौरान एमजे के बालों में आग लग गई जिसकी वजह से उन्हें 3rd degree बर्न हो गया। अब बर्निंग इंजरीज के मार्क्स को हटाने के लिए एमजे ने पूरे फेस का ट्रीटमेंट करवाया और कुछ टाइम बाद फिर से राइनोप्लास्टी करवाई। इस टाइमलाइन में एमजे ने काफी सारे सक्सेसफुल कॉन्सर्ट्स और टूर्स किए और 1987 सितंबर में उन्होंने द बैड वर्ल्ड टूर शुरू किया जो कि पूरे 1.5 साल तक चला। अब एक तरफ माइकल जैक्सन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सारे माइलस्टोन अचीव कर रहे थे और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स बना रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ उनकी लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़नी शुरू हो गई थी और बहुत ही सीरियस कॉन्ट्रोवर्सीज। इसकी शुरुआत हुई ईयर 1986 में जब माइकल जैक्सन की एक फोटो सामने आई जिसमें वो एक चैम्बर के अंदर सोए हुए थे। इस फोटो के सामने आते ही नए नए रूमर्स आने शुरू हो गए जिसमें से एक रूमर ये था कि माइकल जैक्सन अपनी एजिंग को स्लो करने के लिए चैम्बर के अंदर सोते हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज एमजे से जुड़ी हुई थी वो थी फेशियल सर्जरीज को लेकर। 1970s में कुछ ऐसे दिखने वाले माइकल जैक्सन 80s में कुछ ऐसे दिखने लगे थे। उन्होंने अपनी नोज, चिन की सर्जरीज के साथ साथ स्किन कलर को भी पूरी तरह से बदल लिया था। एमजे को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी सारा बैकलैश भी झेलने के लिए मिला। लोगों का कहना था कि एमजे अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को छिपाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने ब्लीच के थ्रू अपना कलर व्हाइट कर लिया। और उस वक्त कुछ लोगों का यह भी मानना था कि एमजे एक अफ्रीकन अमेरिकन थे जिसकी वजह से उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी रेसिज्म का सामना करना पड़ता था और उस रेसिज्म को अवॉइड करने के लिए एमजे ने अपना स्किन कलर चेंज किया था। दरअसल लोग जितने भी रीजन एमजे की स्किन चेंज के लिए दे रहे थे वो सब गलत थे, रियलिटी कुछ और ही थी। माइकल जैक्सन विटिलिगो नाम के स्किन डिसऑर्डर से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनकी स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स पड़ रहे थे और उन्हें छिपाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी स्किन को व्हाइट करा लिया। फेस के अलावा ये व्हाइट स्पॉट्स उनकी पूरी बॉडी पर मौजूद थे जिसे छिपाने के लिए एमजे अपनी पूरी बॉडी को कवर रखते थे, हाथ में ग्लव्स, हैट, सनग्लासेस, मास्क, फुल स्लीव टी-शर्ट्स। जब एमजे के स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा बातें होने लगी तो उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने 1993 में एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म किया था कि एमजे को स्किन डिसऑर्डर है और 2009 में उनकी डेथ के बाद आई ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी यही कंफर्म किया था। अब इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एमजे के फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज हो गए लेकिन उन्हें दूसरी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। उन्हें हर वक्त बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहने लगा जिसको कम करने के लिए उन्होंने हाई डोज पेन किलर मेडिसिन का सहारा लेना शुरू किया और माइकल की आदत ने उन्हें ड्रग अब्यूज की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम के बाद माइकल एक ड्रग एडिक्ट बन गए और उनकी ड्रग एडिक्शन की स्टोरी के पीछे एंग्जायटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी थी। अभी अर्ली 90s में माइकल की लाइफ का सबसे रफ फेज आना बाकी था। 1988 में भी माइकल का करियर एकदम पीक पर था लेकिन उनका एक डिसीजन उनके डाउनफॉल का रीजन बना जब उन्होंने 2700 एकड़ में कैलिफोर्निया में अपना खुद का ड्रीम मेंशन बनाया। ये था माइकल जैक्सन का ड्रीम नेवरलैंड रैंच। इस घर पर माइकल ने उस वक्त $17 मिलियन खर्च किए थे। अब यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होगा। तो माइकल ने अपने इस घर में छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए काफी सारी चीजें बनाई थी जैसे फरारी व्हील, कोरोसल, मूवी थिएटर और जू। तो माइकल अपने इस घर में काफी सारे छोटे बच्चों के साथ रहा करते थे और अगस्त 1993 में माइकल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई जब उनके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन लगे। ये एलिगेशन 13 साल के जॉर्डन चैंडलर और उनके फादर इवान चैंडलर ने लगाए थे। उनका कहना था कि एमजे 13 साल के जॉर्डन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो अब माइकल के ऊपर लगे ये एलिगेशन उनकी इमेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम कर ही रहे थे और इतने में ही माइकल के सिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि उनका भाई माइकल एक पीडोफाइल है और बच्चों को चुप कराने के लिए कई बार उन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो पब्लिक में आकर ये चीज एक्सपोज ना करें। उनकी सिस्टर लातोया के स्टेटमेंट के बाद माइकल की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जैक्सन के घर पर पुलिस रेड हुई जिसमें कुछ सेंसिटिव आइटम्स माइकल के घर पर मिले और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। लगभग 1 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली और फिर जॉर्डन की गवाही के बिना लैक ऑफ एविडेंस के चलते इस केस को क्लोज कर दिया गया और माइकल इस केस को सेटल करने के लिए
चैंडलर फैमिली को कोर्ट के बाहर 2.3 करोड़ यूएस डॉलर की रकम देते हैं। अब उनके फैंस का ये कहना था कि माइकल पर लगे ये सारे एलिगेशन एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिससे कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। और बाद में माइकल की सिस्टर ने भी ये एडमिट किया कि जो कुछ भी उन्होंने माइकल के बारे में बोला वो सब बोलने के लिए उन्हें उनके हस्बैंड ने फोर्स किया था। अब दूसरी तरफ ये सारे इंसिडेंट्स के चलते माइकल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। अपने डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड टूर्स कैंसिल कर दिए। और अपने ऊपर लगी एबनॉर्मल सेक्सुअल टेंडेंसी के एलिगेशन से बचने के लिए माइकल ने अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से ही शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी सक्सेसफुल नहीं हुई और सिर्फ 1.5 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया। अब माइकल सीवियर डिप्रेशन में थे और उन्हें सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे और वो एक शॉर्ट ब्रेक पर चले गए, लेकिन पूरे 2.5 साल बाद उन्होंने अपने कमबैक की तैयारी शुरू की और डबल एल्बम रिलीज की, हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन इस एल्बम के एक गाने ने उन्हें फिर से कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसा दिया, जो था दे डोंट केयर अबाउट अस। कहा गया कि माइकल ने इस सॉन्ग में ज्यूइश लोगों के लिए कुछ गलत वर्ड्स यूज किए और स्किन कलर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की, लेकिन असल में माइकल यहाँ सोशल इश्यूज पर बोलना चाह रहे थे और लोगों ने उनकी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। अब 1996 में हिस्ट्री वर्ल्ड टूर पर माइकल जैक्सन पहली बार इंडिया आए। उन्होंने मुंबई में अपनी स्पेशल अपीयरेंस दी। इस टाइम पर लग रहा था कि माइकल अपने कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं। इस वक्त वो अपनी सबसे महंगी एल्बम पर भी काम करना स्टार्ट करने वाले थे, जिसका बजट था $30 मिलियन, जिसके लिए माइकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कॉन्सर्ट्स पर काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने दुनिया के अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया, जिसमें AR रहमान और प्रभुदेवा भी थे। लेकिन इनविंसिबल की रिलीज से पहले माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। ये पूरा डिस्प्यूट लाइसेंसेस को लेकर था और जब वो किन्हीं भी टर्म्स पे एग्री नहीं कर पाए तो जैक्सन ने सोनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और फिर फाइनली 2001 में एमजे ने अपनी इनविंसिबल एल्बम को रिलीज किया। ये हिस्ट्री एल्बम के 6 साल बाद रिलीज की गई थी और एमजे की लाइफ की लास्ट एल्बम भी थी। इसके बाद एमजे ने कोई भी एल्बम रिलीज नहीं की। ईयर 2003 में माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन के साथ साथ दूसरी बार माइनर्स को अल्कोहलिक ड्रिंक्स देने के एलिगेशंस लगे और फिर सांता मरिया कैलिफोर्निया में इसका ट्रायल शुरू हुआ। ये ट्रायल पूरे 4 महीने तक चला और लास्ट में माइकल जैक्सन को निर्दोष बता दिया गया। लेकिन अब माइकल जैक्सन मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, उनका ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उन्हें सीवियर हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए, जिनमें से एक थी नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया। 2005 के इस इंसिडेंट के बाद माइकल जैक्सन को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। उन पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन बकाया था। उन्हें अपने ड्रीम हाउस नेवरलैंड रेंच के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ा। अब एमजे को 4 साल हो चुके थे बिना किसी प्रोजेक्ट पे काम किए। फिर फाइनली माइकल ने अपनी कमबैक पर काम करना स्टार्ट किया ताकि वो अपनी लायबिलिटीज को कम कर सके। माइकल के कमबैक कॉन्सर्ट का नाम था दिस इज इट और ये एमजे की लाइफ का लास्ट कॉन्सर्ट होने वाला था। 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड थे और सिर्फ 1 घंटे में इस कॉन्सर्ट की 10 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी थी। सबको लग रहा था कि एमजे अपने लास्ट कॉन्सर्ट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन कॉन्सर्ट से कुछ दिन पहले ही माइकल की डेथ हो गई और उनके फैंस के लिए उनका लास्ट कॉन्सर्ट सिर्फ एक सपना बन के रह गया। ये दिन था 25 जून 2009, जब प्रोफोबॉल ड्रग के हाई डोज के कारण माइकल जैक्सन की डेथ हुई। अब एमजे की डेथ को लेकर बहुत सारे मिस्टीरियस सवाल खड़े हुए। एमजे की डेथ अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। किसी का कहना है कि ये ओवरडोज की वजह से हुई डेथ है, कोई कहता है कि ये डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है, किसी का मानना है कि इसमें म्यूजिक लेबल का हाथ था और कोई कहता है कि इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग ही इन्वॉल्व थे। माइकल जैक्सन की डेथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। माइकल ने 12 डॉक्टर्स की एक टीम रखी हुई थी जो उनकी मेडिसिन से लेकर उनकी डाइट तक सबका ध्यान रखेगी, यानी कि वो 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहा करते थे। तो एक ऐसा इंसान जो कि 24 घंटे डॉक्टर्स के सुपरविजन में है, वो किसी दवाई के ओवरडोज से कैसे मर गया? तो अपनी सर्जरीज, एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते माइकल कई सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स और पेन किलर्स ले रहे थे। इसके अलावा माइकल इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी से भी जूझते थे और इस बीमारी का असर तो इतना बुरा था कि एक बार माइकल 5 दिनों तक लगातार सो नहीं पाए थे और अपनी इस बीमारी से आराम पाने के लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करते थे और अलग अलग तरीके के ड्रग्स ट्राई करते थे ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन कोई भी दवाई ने माइकल को असर नहीं किया। तब उनके पर्सनल फिजिशियन ने उन्हें एक स्पेशल ड्रग की रिकमेंडेशन दी जो था प्रोपोफॉल ड्रग। ये ड्रग किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए। तो फाइनली इस ड्रग के थ्रू माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। अपने फिजिशियन के सजेशन पर माइकल ये ड्रग ट्राई करते हैं और फाइनली ये काम कर जाता है। और इसी तरह माइकल हर दूसरे तीसरे दिन सोने के लिए प्रोपोफॉल ड्रग का यूज करने लगे। बेसिकली माइकल को प्रोपोफॉल ड्रग की एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि वो इसे मिल्क कह के एड्रेस किया करते थे। जैसे आम लोगों को रात में मिल्क पीने से नींद आ जाती है, तो इसी तरह से उन्हें प्रोपोफॉल ड्रग लेना पड़ता था सोने के लिए। बट ये एक बहुत ही पावरफुल ड्रग होता है जिसे मेडिकल इक्विपमेंट की देखरेख में ही लिया जाता है। ऐसे इक्विपमेंट जो पेशेंट के ब्लड में प्रोपोफॉल के बैलेंस को मेजर कर सके, क्योंकि अगर बॉडी में इसकी मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हुई तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन माइकल के पर्सनल फिजिशियन के पास वो मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे। 25 जून 2009, जिस दिन माइकल की डेथ हुई, उससे ठीक एक दिन पहले माइकल अपने लास्ट कॉन्सर्ट दिस इज इट की रिहर्सल कर रहे थे। इसके बाद 12:30 बजे वो रात अपने लॉस एंजलिस वाले घर पे आए, जहां माइकल के पर्सनल न्यूट्रिशन और शेफ ने उन्हें खाना सर्व किया। तो खाना खाने के बाद माइकल अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसोम्निया बीमारी की वजह से उन्हें नींद नहीं आई, जिसके बाद माइकल ने अपने पर्सनल फिजिशियन को कॉन्टैक्ट किया जो कि घर में ही थे।
उनके डॉक्टर ने उन्हें रात 1:30 बजे डाइजापाम, लोरेजापाम, मिडाजोलाम नाम की दवाइयां दी, लेकिन इनका माइकल पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके अलावा माइकल को बहुत सारे इंजेक्शन भी लगाए गए और वो भी यूजलेस साबित हुए, और ये सब करते करते 8-10 घंटे बीत चुके थे, जिसके बाद माइकल ने फाइनली प्रोपोफोल ड्रग की डिमांड की। पहली बारी में डॉक्टर ने ये ड्रग देने से माइकल को मना कर दिया। अब सुबह के 10:30 बज चुके थे और नींद न आने की वजह से माइकल प्रोपोफोल लेने की जिद करने लगे और डॉक्टर ने मजबूर होकर माइकल को प्रोपोफोल का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद माइकल को नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि माइकल की बॉडी पर गलत रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। माइकल की ब्रीदिंग रुक गई, उनकी पल्स बहुत ज्यादा वीक पड़ने लगी और बिगड़ती हालत को देखकर माइकल के डॉक्टर ने CPR देके सिचुएशन को बेटर करने की भी कोशिश की। प्रोपोफोल का असर कम करने के लिए माइकल को दूसरे इंजेक्शन भी दिए गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और फिर लगभग 12:15 पर माइकल के पर्सनल फिजिशियन ने उनके असिस्टेंट को कॉल किया, लेकिन वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने एक दूसरी मेडिकल टीम को कॉल किया, जिसे आने में 12:30 बज गए। क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए माइकल को 1:15 तक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी काफी कोशिश करने के बाद माइकल की बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और लगभग 2:30 बजे माइकल जैक्सन की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। लेकिन चीजें यही खत्म नहीं हुई। माइकल के पर्सनल फिजिशियन को लापरवाही के चलते 4 साल की सजा सुनाई गई। बट MJ की डेथ में काफी सारी चीजें स्ट्रेंज भी हैं, जैसे कि उनके पर्सनल फिजिशियन ने कभी भी उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताया, और जब माइकल की सांस रुकी तो डॉक्टर ने रूम में प्रेजेंट ऑक्सीजन सिलेंडर को भी यूज नहीं किया, और जब माइकल की हालत क्रिटिकल थी तो उनके पर्सनल फिजिशियन ने ऑन पर्पस मेडिकल टीम को लेट बुलाया ताकि माइकल के बचने के चांसेस कम से कम हो सके। और फिर उस रात माइकल के रूम में एक्चुअली में क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि इन सारी चीजों को माइकल के पर्सनल फिजिशियन ने खुद नैरेट किया है। और डेथ के कुछ ही साल पहले माइकल का सोनी के टॉमी मोटेला और एमिनम के साथ डिस्प्यूट भी हुआ था, और ऐसे में ये भी पॉसिबिलिटी थी कि माइकल के राइवल्स उनके कमबैक को नहीं देखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने माइकल के पर्सनल फिजिशियन का सहारा लिया और उन्हें मरवा दिया। बट इतने सारे क्लेम्स के बाद भी माइकल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनके डेथ के रीजन को काफी हद तक क्लियर कर देती है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके स्टमक में केवल और केवल ड्रग्स थे और फूड का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वो कई महीनों से सिर्फ ड्रग के सारे सरवाइव कर रहे थे। उनकी बॉडी पर सिर्फ हड्डियां बची हुई थी और पूरे शरीर पर पेन किलर के इंजेक्शंस के मार्क्स थे। माइकल की बॉडी में ड्रग डोज इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक हाई डोज भी अब उन्हें इंपैक्ट नहीं करती थी। ठीक उनकी मौत से पहले 24 जून की रात को भी यही हुआ, काफी सारी दवाइयों ने उन्हें असर नहीं किया, और माइकल यूजुअली जिन ड्रग्स का यूज किया करते थे उसकी एक हल्की डोज भी किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है, लेकिन उनकी बॉडी पर इन ड्रग्स का कोई भी असर नहीं होता था। और फिर लास्ट में यही ड्रग्स का अनकंट्रोल्ड यूज उनकी डेथ का रीजन बना। ये न्यूज आते ही लोग माइकल जैक्सन की डेथ के रीजन के बारे में सर्च करने लगे, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया और वेबसाइट्स भी क्रैश कर गई। और जब माइकल जैक्सन की मेमोरियल सर्विस यानी कि फ्यूनरल को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया तो ये टेलीविजन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बन गया। अकेले अमेरिका में लगभग 3 करोड़ लोगों ने माइकल जैक्सन की मेमोरियल सर्विस सेरेमनी को देखा था। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो माइकल जैक्सन की लाइफ पहली ग्लिम्स में तो ऐसी लगती थी कि वही दुनिया के सबसे खुशहाल आदमी होंगे, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए एक नॉर्मल इंसान ड्रीम करता है। हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेम, इवन हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट। उन्होंने वो सारी चीजें अचीव कर ली थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक आर्टिस्ट अचीव करना चाहता है। अगर उनकी लाइफ को डीपली स्टडी करा जाए तो पता लगता है कि MJ की लाइफ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ट्रेजेडी थी, जिसमें उन्हें मिला तो सब कुछ लेकिन उन्हें सब चीजों के लिए एक प्राइस पे करना पड़ा और वो अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए। और जैसा कि हर एक कल्ट फिगर के साथ देखने के लिए मिलता है कि जब वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उनके साथ खुद कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं और कुछ एलिगेशंस लगने लगते हैं। सेमी केस माइकल जैक्सन की स्टोरी में भी देखने के लिए मिला। स्ट्रगल के बाद मेगा सक्सेस, उसके बाद एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज का सफर शुरू और फिर करियर एंड।